रायपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की गई है। इसके साथ ही फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ और अभद्रता ही नहीं बल्कि भंसाली को भी थप्पड़ जड़ दिया गया। इस घटना के बाद से ही पूरा बॉलीवुड बौखलाया नजर आ रहा है और इंडस्ट्री के दिग्गज इस मुद्दे पर जमकर अपनी भड़ास सोशल साइट पर निकाल रहे हैं। डायरेक्टर करण जौहर ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे जो आज संजय लीला भंसाली के बारे में पता चला है उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। असहाय महसूस कर रहा हूँ और गुस्से में हूँ। ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता है। फरहान अख्तर ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, फिल्म से जुड़े हमारे साथियों, यदि हम अभी ऐसे बार बार होने वाले दादागिरी वाली घटनाओं के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तो ये आगे जाकर और भी खराब रूप ले सकती है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए करण जौहर ने ट्वीट किया, हमारी इंडस्ट्री के किसी भी सदस्य को इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठना चाहिए। ये एकजुट होने का वक्त है, बेपरवाही का नहीं। फिर फरहान ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, मुझे इंतजार है जो उन्होंने संजय लीला भंसाली और उनके क्रू के साथ किया है उसके लिए कितनों को सजा दी जाती है, इसके पर्याप्त सबूत हैं। और फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने लिखा, संजय लीला भंसाली के सेट पर जो हुआ उससे मैं डरी हुई तो हूँ ही और हैरान भी हूँ। विचारों में कितनी भी असमानता इस व्यवहार को सही साबित नहीं कर सकता, शर्मनाक। अपने बेबाक ट्वीट्स की वजह से मशहूर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने भी इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने लिखा है, भंसाली एक कलाकार हैं और यदि कोई देश अपने कलाकारों को गुंडों से नहीं बचा सकता है तो उसे देश कहलाने का हक नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, ये एक मजाक है कि फिल्म मेकर्स का सेंसर बोर्ड से विवाद रहता है। भंसाली पर ये हमला बताता है कि कोई भी और यहाँ तक कि भी सेंसर बोर्ड बन सकता है। काबिल एक्टर ऋतिक रोशन ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की और लिखा, मिस्टर भंसाली, मैं आपके साथ हूँ। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाली घटना है। अब देखना है कि ये मामला सोशल मीडिया पर यहीं खत्म होता है या फिर फिल्म रिलीज तक खिंचता चला जाता है।